सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ HDFC बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ आप अकाउंट के स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, मनी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, FD RD ओपन कैसे कर सकते हैं, कैसे अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको सबसे प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर ओपन करेंगे यहाँ पे HDFC मोबाइल एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना। पहले से मैंने ओपन कर लिया, चलिए इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन खुल के HDFC मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास खुल कर आएगा। यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे आपको लोडिंग ले रहा है, ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट कर लेना है। राइट करते करते आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नीचे में स्किप इंट्रोडक्शन, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे आपको परमिशन में अलाउ दे देना, फिर से आपको मैं अलाउ दे देना। अलाउ देते आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी डालना, पासवर्ड डालना। कस्टमर आईडी आपको कहाँ पर मिलेगी, जब भी आपको यहाँ पे वेलकम कोड मिलागा, जहाँ पर बैंक से पासबुक आपको पूरा चीज़ मिलागा, वहाँ पे देखिए फर्स्ट में जहाँ पे एड्रेस आपका लिखा रहता है वहाँ पे देखिए, वहाँ तो कस्टमर आईडी होगा, वो कस्टमर आईडी डालना। आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना, पासवर्ड कैसे डाल सकते हैं, आपको वेलकम कोड मिलागा, इसी में आपको दो तरह का, जैसे गुप्त ATM पिन होता है, इसी तरह का आपको दो दो पेपर वहाँ पे मिलागा। एक पेपर में आपको ATM पिन होगा, एक पेपर में आपको वहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मिलागा, ताकि वो पासवर्ड यहाँ पे यूज कर पाएंगे। वो पासवर्ड आपको डालना, कस्टमर आईडी डालना, आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना। चलिए फटाफट से दोनों डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर ले रहा हूँ। केस में पासपोर्ट यहाँ पे है FI2B2B, ये मेरे केस में यह पासपोर्ट, यही पासपोर्ट आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। पर सर्चिंग लगा कुछ यहाँ पे गलत बता रहा है पासपोर्ट, पासपोर्ट सही, चलिए सही से पासपोर्ट में डाल लेता हूँ। गलत बताएगा तो गलत पासपोर्ट रहेगा, ऐसे आप एरर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। पासपोर्ट मैंने जैसे डाला, अब यहाँ पे आपको परमिशन मगर आपको अलाउ देना है। अलाउ देने के बाद देखिए, मेरे अकाउंट में जितना पैसा है वो मेरे अकाउंट में अभी 2 रुपीज़ है, मैंने वो जमा करा, लेकिन मैंने अभी कुछ पैसा जमा नहीं करा। मेरे अकाउंट में जितना पैसा है वो पैसा आपको यहाँ पे, अकाउंट में जितना पैसा वो पैसा आपको यहाँ पे अवेलेबल बता लेगा आपके अकाउंट में कितना पैसा है। अब यहाँ पे आप किसी को ये अकाउंट नंबर, किसी को यहाँ से पे बिल्स पे करके, किसी को ये पैसा, आप किसी को ये पूरी डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको एरर पे क्लिक करना था, ये सारी चीज़ किसी को अपने फ्रेंड्स के साथ किसी को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखिए, ओपन FD RD का ऑप्शन आप यहाँ शेयर अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे अकाउंट को शेयर कर सकते हैं किसी के पास। सो अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे अकाउंट की पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पे किसके नाम से अकाउंट है, ये ये सेक्टर ब्रांच कहाँ पर पकड़ेगा, IFSC कोड के सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ नीचे में देखा ना, आपको जो ATM कार्ड का वो नंबर से रहता है, वो नंबर्स आपको फर्स्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट शो कर देगा, बीच में कुछ हाइट रहेगा। अब यहाँ पे आपको देखिए लिमिट कितना रहेगा अकाउंट का, वो आपको शो कर देगा। यहाँ पे देखिए हाइट अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे अकाउंट को हाइट डिटेल्स कर सकते हैं। यहाँ पे और भी नीचे जाएंगे, वस्त्र फंडिंग आपको देखा, यहाँ पे अकाउंट का स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ से आप स्टेटमेंट यहाँ से अकाउंट चेक कर सकते हैं आपको, आप 1 महीने के अंदर में, 2 महीने के, 3 महीने के अंदर में आप कितना पैसा ट्रांजेक्शन करिए, कितना पैसा आपके पास अकाउंट में आया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ ही दिन, अभी कुछ पहले मैंने 2 रुपीज़ यहाँ पे मैंने सेंड करा था, वो 2 रुपीज़ आपको यहाँ पे शो स्टेटमेंट में आपको शो कर रहा होगा। चलिए और भी डिटेल्स में यहाँ पे आपको शो करा दे रहा हूँ। जब एड बिलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ से बिल पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे HDFC मोबाइल एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज लैंड रेट है, पोस्टपेड यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे, गैस, वाटर यहाँ, टैक्स, ये सारी यहाँ का फैसिलिटी आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे, हॉस्पिटल का, ये सारी सर्विसेज आपको HDFC मोबाइल एप्लीकेशन में आपको देखने के लिए मिल जाती है। चलिए और भी सर्विसेज में आपको यहाँ पे दिखला दे रहा हूँ, इस मोबाइल एप्लीकेशन में कौन कौन से सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने मिलता है। यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, देखिए कौन कौन सी सर्विसेज है। फर्स्ट में तो वो आपको शो करेगा किस व्यक्ति के नाम से अकाउंट है, वो अकाउंट यहाँ पे आपको नाम शो करेगा जिस व्यक्ति के नाम से अकाउंट है। यहाँ पे देखिए होम का, पे का, सेव यहाँ पे, इन्फेस्टिंग यहाँ पे, ये सारी प्रोफाइल यहाँ पे, प्रोफाइल यहाँ पे लोग आउट कर सकते हैं। यूर प्रोफाइल पे करेंगे पूरे अकाउंट, अकाउंट की प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे अकाउंट की पूरी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, यहाँ पे आधार नंबर, पैन नंबर शो करेगा। यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे HDFC मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और भी डिटेल चेक करने के, देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे सिस्टम आपको शो करेगा। मैंने यहाँ देखिए, ये मेरा सारी सिस्टम आपको HDFC मोबाइल एप्लीकेशन में शो कर रहा है।
इस तरह से आपने देखा कि मैंने किस तरह से HDFC मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करना सीखा, कैसे यूज करना है, कैसे इसको क्या क्या चीज़ सर्विसेज का आपको देखना है, वो सारी सर्विसेज मैंने आपको इस वीडियो में आपको दिखाया। अगर वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन कमेंट कर नीचे पूछ सकते हैं।